No se ve. ¿Viene que tú vas a venir? No, para ti. ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Tú vas a venir? Voy a ir a la casa. ¿Ya? ¿Abre bien un coche? ¿Dónde? 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 चलो वही करते हैं जो आप लोग कर रहे थे परसेंटेज, ठीक है? कुछ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से उठाते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। चलो लिख लो परसेंटेज। परसेंटेज में हमें दो तीन चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ, जो कुछ भी हमें करना है आउट ऑफ 100 तक, ठीक है? अगर लिखा हुआ है, मान लो एक क्वेश्चन है 20 180 का कितना परसेंट, ठीक है? 20 180 का कितना परसेंट, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? 36 कैसे निकालेंगे, बस मैं वो बता, ठीक है? इसका मतलब पहले हमारे पास 180 है, जिसमें से हमें किसके बारे में जानना है, 20 के बारे में, लेकिन हमें परसेंटेज में जानना है, तो हमें आउट ऑफ 100 देखना है। तो अगर 1 होगा और अगर 100 होगा तो 100 भी निकालना है हमेशा। ये 180 का कितना परसेंट, इतना अपॉन 180 into 100, ठीक है? आउट ऑफ 100 का मतलब ये, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 5 का कितना परसेंट है, मैं प्रोसेस आपको बताता हूं। 4 5 का कितना परसेंट है, 5 into x% = 4, मतलब 5 का कितना परसेंट 4 है, 80%, है ना? 5 का कितना परसेंट 4 है, तो मान लेते हैं x पर, मान लेते हैं x पर, कैसे निकालें x परसेंट का मतलब x पर मान लेते, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5x = 4 into 100 और x = 4 upon 5 into, ठीक है? अगर हमसे पूछा जा रहा है 180 का कितना परसेंट, तो हम लिखेंगे 180 का x परसेंट 20 है, हमें नहीं पता कितना परसेंट है, वो हमें निकालना है, ठीक है? क्या करेंगे, 180 into x by 100 = 20, फिर हम यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होगा, 20 into 100 upon, यही हमने यहाँ लिखा था, ठीक है? तो परसेंटेज का समझना हो तो पहले ये भी समझना, है ना? ये हम जो नहीं गिवन होता है उसको मान लेते हैं कितना परसेंट होगा और तब एक इक्वेशन बना लेते हैं और सॉल्व, ठीक है? तो 20 180 का कितना परसेंट, 20 upon 180 into 100 इसलिए क्योंकि आउट ऑफ 100 हम गए, ठीक है? और हमसे पूछा जाए 1 2 का कितना परसेंट है, तो 1/2 into 100। अब यहाँ पे कुछ चीजें और है जो हमें समझ में आती है, वो ये कि अगर हमसे पूछा जाए कि 20 40 का कितना परसेंट, तो हम देखेंगे कि हाफ हो गया है, इसका मतलब 50% रहा, ठीक है? 3/4 हो गया है, इसका मतलब 75% रहा, ठीक है? 1/4 हो गया, इसका मतलब 25% रहा हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज को
फ्रैक्शन में बदल दो।